हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। इसका इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर ऑफ मेटाजोआ, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटाजोआ, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। इसकी दो थ्योरी है, सिंथेटिकल सिलेटेड थ्योरी, कॉलोनिकल फ्लैजिलेटेड थ्योरी। कंक्लूजन, रेफरेंस इनवर्टिप्रेट RL कोटपाल बुक। इंट्रोडक्शन, मेटाजोआ के अंदर मल्टी सेल्यूलर एनिमल को सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें कार्य की श्रम विभाजन जो होता है वह सुस्पष्ट हो जाता है। कार्य की श्रम विभाजन में लोबर ऑफ डिवीजन जो होता है वह सुस्पष्ट होता है। कैरेक्टर ऑफ मेटाजोआ, ये मल्टी सेल्यूलर एनिमल है, इनमें लोबर ऑफ डिवीजन सुस्पष्ट होता है। इनके आकृति निश्चित होती है, मतलब शेप साइज जो होता है वह निश्चित होता है। असेक्चुअल जनन केवल निम्न श्रेणी के मेटाजोआ एनिमल में पाया जाता है। अलैंगिक जनन केवल निम्न श्रेणी में पाया जाता है। शेष में लैंगिक जनन पाया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटाजोआ, मेटाजोआ को मल्टी सेल्यूलर प्राणी सम्मिलित किए जाते हैं। इनको निम्न ब्रांचेस में विभाजित किया जाता है। मेटाजोआ की ब्रांच होती है 3, मिसोजोआ, पेराजोआ, यूमेटोजोआ। मिसोजोआ, इसमें ऑर्गन्स का अभाव होता है, इसमें मतलब इसमें अंग का अभाव होता है। ये परजीवी प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल डाइसीएमा। पेराजोआ, मल्टी सेल्यूलर सेक्चुअल ऑर्गन्स का अभाव, मतलब इसमें लैंगिक अंगों का अभाव होता है। बॉडी जो होती है वह छिद्रित होती है। फाइलम पोरीफेरा, साइकोन यूपेक्टेला। यूमेटाजोआ, इसमें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन पाए जाते हैं। इसमें दो बायलेटरी या रेडिएटा होता है। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ, इसकी फर्स्ट है सिंथेटिकल सिलेटेड थ्योरी। यह थ्योरी हेडची नामक साइंटिस्ट ने सन 1953 में दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार मेटाजोआ की ओरिजिन मल्टी न्यूक्लियोटेड सिलेटेड प्रोटोजोआ जैसे ओपेलिना पैरामेशियम से हुई, अर्थात पैरामेशियम और ओपेलिना मेटाजोआ के पूर्वज माने जाते हैं, यानी एनेस्टर माने जाते हैं। ये इसका डायग्राम है। सेकेंड है कॉलोनियल फ्लैजिलेटेड थ्योरी। यह सिद्धांत हिकल ने दिया था। लैंकास्टर ह्यूमन ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार कॉलोनियल फ्लैजिलेटेड एनिमल जैसे वोल्वोक्स, पोंडोरिना, प्रोटोजोआ से ही आगे चलकर मेटाजोआ जंतुओं की उत्पत्ति हुई। प्रोटोजोआ से ही आगे चलकर मेटाजोआ जंतुओं की उत्पत्ति हुई। ये इसका डायग्राम है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलें।